अजीब होता है ये मन, जितना पाता है उतना ही और पानी की इसकी प्यास बढ़ती जाती है। और आज जब ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है तो मन करता है कि गंगा को और देखूं और जानूं। बस यही इच्छा बार बार मेरे मन में हो रही है। तो मैं इस समय हूं कोलकाता में अपने होटल के रूम में, सुंदरबन देख लिया, कोलकाता घूम लिया और अब निकलना है अपने अंतिम पड़ाव की ओर, यानी गंगा सागर की ओर। आप जानते हैं मैंने हर शहर में गंगा जल एकत्रित किया, जहां जहां भी मैं गया वहां से मैं गंगा जल लेकर आया। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहली बार मैंने गंगा को इतने करीब से देखा, पहली बार गंगा की अहमियत को जाना, पहली बार गंगा पर हमारी निर्भरता को समझा, पहली बार जो गंगा को बचाने के प्रयास हो रहे हैं उन्हें जाना। तो ये गंगा जल मुझे रग रग में गंगा के मेरे सफर की याद तो दिलाएगा ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा अब मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का, जिस दिन गंगा का गंगा जल अपने अंतिम चरण में जो दिखता है वो गंगा के शुरुआती दौर के गंगा जल जैसा नजर आएगा। आएगा ना? उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए निकलते हैं गंगा सागर की ओर। और इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा कोलकाता से गंगा सागर की हसीन जर्नी पर। ये मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं वाकई चला भी रहा हूं। होगा रग रग में गंगा की यादों का यादगार सफर। दादी एक फोटो आपके साथ, बहुत सुंदर हो। एक फोटो, एक फोटो, ले लो फोटो, ले लो, ले लो, ले। जानेंगे कहां से हुई रग रग में गंगा की शुरुआत। ऐसा भी है सर कि बहुत सारे लोगों ने गंगोत्री को देखा भी नहीं है। पहुंचूंगा गंगा सागर और जाऊंगा कपिल मुनि मंदिर, जहां की ये मान्यता है कि जिनके दर्शन के बिना आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी नहीं होती। और पहुंचूंगा उस पवित्र स्थान पर जहां गंगा अपनी गौमुख से शुरू हुई 2525 किलोमीटर की यात्रा समाप्त करती है और सागर में जाकर मिल जाती है। कोलकाता से गंगा सागर तक की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर। ये हरे भरे लहराते वृक्ष, ये शुद्ध हवा, नारियल के ऊंचे लंबे पेड़ और भागती दौड़ती मेरी टैक्सी जो तेजी से मुझे बीच की तरफ ले जा रही है। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मैं केरला या गोवा में फिर आ गया हूं, पर ऐसा नहीं है। अब मैं गंगा सागर जा रहा हूं और सुना है कि ये यात्रा इतनी सीधी नहीं है। कार से उतरकर मुझे फेरी लेनी है तो सफर लंबा है। लगता है गंगा सागर भी मेरी तरफ देखकर कुछ यूं कह रहा है शायद, अगर आ सको तो आओ इन्हीं पत्थरों पर चल के, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। नहीं, अभी गंगा सागर नहीं पहुंचे हैं, अभी मंजिल दूर है। यहाँ से हम लेंगे फेरी गंगा सागर के लिए, लेकिन गंगा सागर पहुंचने से पहले देखिए मुझे क्या मिल गया। मुझे मिल गए देसी खीरे। सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही बोल। देसी खीरे ना, आप जानते हैं देसी खीरे ये क्यों खास है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये होते हैं सबसे मीठे। जितने भी आड़े टेढ़े फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक जिनमें केमिकल कम होते हैं, जिनके ऊपर दवाई कम मारी जाती है, बिल्कुल गांव की है ना, बिल्कुल गांव की है ना। और ये बहुत मीठे होते हैं, मैं दिखाता हूँ इनको। ये देखो एकदम मीठा, ये देखिए इस पर काला नमक डालिए ऐसे, और वैसे कहते हैं
हीरे को अगर बीच से काटे ना तो कभी कड़वा निकलता नहीं है। वो हम लोग मम्मी ने सिखाया था ना, साइड से काटो और फिर उसे घुमाते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में से काटिए, हीरा बहुत कम कड़वा निकलता। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक नहीं, ऐसे ही दे दें। प्लास्टिक को तो हम कोशिश कर रहे हैं, जितना कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो उतना बेहतर है। दीजिए, ये देखिए, ये पकड़े यूँ और गाड़ी में ले आके धो के डाल देंगे। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, देसी घी हो गए, अब देसी राइड करेंगे, फेरी में चलेंगे गंगा सागर तक। तो ये वो पॉइंट है जहां से एक फेरी जाती है गंगा सागर तक। तो ये जिसे आप शायद समुद्र सोच रहे होंगे, ये एक्चुअल में गंगा ही है अपने अंतिम चरण में, और यही गंगा आगे जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा सागर पहुंचने के लिए यहां से आपको लेनी पड़ती है तकरीबन 40 मिनट की फेरी, और उसके बाद तकरीबन 40 मिनट या एक घंटे की रोड जर्नी भी है गंगा सागर तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, गंगा को अंतिम चरण में देखने के लिए, गंगा के आखिरी दर्शन लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कब आएगी भैया, कब आएगी मेरी फेरी? कमाल की बात है ना, एक तरफ तो यहां वक्त नहीं कट रहा मेरी फेरी के इंतजार में, और दूसरी तरफ वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। 2500 किलोमीटर का मेरा ये सफर यूं पलक झपकते निकल गया। ऐसा लगता है कि अभी तो निकला था मैं गौमुख से, ऐसा लगता है कि अभी तो चला था मैं गंगोत्री से जहां तापमान 0 डिग्री था, और इस समय मैं बैठा हूं गंगा सागर के करीब जहां तापमान तकरीबन 36 डिग्री है। ऐसा लगता है कि अभी तो नेगी जी के घर पे खाना खाया था, अभी तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शरीक हुआ था। वो खूबसूरत चेहरे, वो भले लोग, वो भले इंसान, वो गंगा को निर्मल बनाए रखने के तमाम प्रयत्न, उन सबसे अभी तो रूबरू हुआ था। कब गुजर गया वक्त। चलिए काम करते हैं, जब तक कि मेरी फेरी नहीं आ जाती, मेरी यात्रा के कुछ खूबसूरत पल दोबारा जीते, वो पल जो आज के बाद सिर्फ मेरी यादों में जिएंगे। चलिए, हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारे पल वो होते हैं जिन्होंने हमें हंसाया, गुदगुदाया और बनाया होता है। अरे आ जाओ दादी, एक फोटो आपके साथ, बहुत सुंदर हो। एक फोटो, एक फोटो, अरे ले लो फोटो। माँ की डांट, पिता का प्यार, दोस्तों के सीक्रेट्स। मैं बहुत टाइम से बाहर चला नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपके साथ में हूँ। छोटे छोटे ख्वाब। अरे बा, दिस इज अनरियल, मैंने पहली बार इतने करीब से देखा है। कितना कुछ होता है हमारे अतीत में, ये वो गोल्डन एरा होता है जो जब याद आता है तो होठों पर एक मुस्कान दे ही जाता है। सर, मुझे 10 दिन के लिए रहने का मौका मिलेगा? 10 दिन नहीं, आप पूरा 1 साल रह जाए। अब यहाँ फेरी के इंतजार में बैठा हूँ तो फ्लैशबैक की तरह रग रग में गंगा के सफर की यादें मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही है। मेरी ये 2525 किलोमीटर की यात्रा, और इस यात्रा में मैं 16 शहरों में गया, वहां अलग अलग लोगों से मिला, उनके साथ खाया। बहुत अमेजिंग है ना? आउटस्टैंडिंग। पान तो यूं पिघल गया मुंह में, बनारसी लाली बनाए रखे। उनसे सीखा कि कैसे मुश्किलों से डर कर नहीं लड़कर जीता जाता है। टाइगर जिसको अटैक किया, हाँ, वो बच के नहीं आया। अरे बाप, उनके साथ खेला, उनका प्यार
उनकी इज्जत माँ गंगा के लिए मैंने महसूस की। वाकई हमारा ये देश इनक्रेडिबल इंडिया है। ये कौन सा है आपने बताया? धमेक। हाँ सच कहता हूं कि ये सफर मेरी जिंदगी का वो अध्याय है जिसके हर पन्ने पर सिर्फ खूबसूरती है। रग रग में गंगा सिर्फ एक ट्रैवल शो नहीं था, बल्कि इसने जो अपनी परिभाषा लिखी वो श्रद्धा की परिभाषा है, आस्था की परिभाषा है, ज्ञान की परिभाषा है। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज गॉट नेगेटिव ओआरपी। ओआरपी ओआरपी मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। इस शो में गंगा से जुड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर सबको करीब से जानने का एक प्रयास किया गया, और कोई भी प्रयास बिना सोच के नहीं हो सकता। ऐसा भी है सर कि बहुत सारे लोगों ने गंगोत्री को देखा भी नहीं है, तो जब हम उसको अपने स्क्रीन पर लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। किसकी थी ये सोच? कौन था जो लोगों के रग रग में बसी गंगा को भागीरथ बनकर टीवी के पर्दे पर उतार लाया? रिवर इज सो ग्रेट एंड देन देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिवर पीपल डू नॉट नो। रग रग में गंगा की यात्रा नई दिल्ली से तब शुरू हुई जब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने दूरदर्शन से कहा कि आइए मिलकर एक ऐसा ट्रैवल शो बनाते हैं जो माँ गंगा की कहानी को घर घर में पहुंचा दे, जो गंगा को साफ रखने के लिए देश के हर नागरिक को गंगा प्रहरी बना दे। और फिर दो डायनेमिक ऑफिसर्स के विजन से शुरू हुआ मिशन रग रग में गंगा। लगा कि रग रग में गंगा जो कि एक ट्रेवलॉग है, इस तरह का कार्यक्रम बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लोगों को गंगा के बारे में बताएगा और लोग कितना इस नदी पर डिपेंड करते हैं। और हमारा उद्देश्य था कि इस तरह से लोग जुड़ें, तो जैसे कि जो भी अपने लेवल पे कर सकते हैं इसके बारे में वो करें, तो इसको स्वच्छ रखें। हम बड़े बड़े परियोजनाएँ और प्रोजेक्ट्स बना देंगे, किंतु अगर हम गंगा के तट पे जाते हैं हम तट बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग जाके वहाँ कूड़ा फेंकना बंद नहीं करेंगे तो कब तक सफाई सरकार से होगी? तो इसके लिए था कि आज अच्छा वो तभी हो सकता है जब इसमें लोगों को इंटरेस्ट हो जाए। एक तो है कि पनिशमेंट के तौर पे किसी नियम और नियमावली के तहत तो उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो भी उतना प्रभावी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होता है? जब हमारे दिल से आवाज़ उठे कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है और इसीलिए और इसे साफ रखना है। रग रग में गंगा की शुरुआत तब से हुई जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हमें ये कहा गया कि क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमेशा के लिए याद रखा जाए, जो एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम हो बट एट द सेम टाइम लोगों के दिलों में अपने लिए घर बना ले। जो भी गंगा से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है उसके बारे में तो बताया ही जाए, लेकिन इस तरीके से बताया जाए कि वो हमेशा यादगार रह जाए। ये एक्सीलेटर खींचेंगे तो ये आगे चलता है। ये मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं वाकई चला भी रहा हूँ। गंगा में ही हूँ, अभी तक हम बंगाल की खाड़ी पहुँचे नहीं हैं, तो मैं ही सोच रहा था कि मोटरसाइकिल चला ली, राफ्टिंग कर ली, ट्रैक्टर चला लिया, साइकिल रिक्शा चला लिया, गाड़ी तो बम्बई में चला ही लेता हूँ, ये स्टीमर बचा था, चलिए वो भी चला लेते हैं। जय गंगा मैया की। अब गंगा के साथ मैं भी जा रहा हूँ सागर, माँ गंगा को उनके आखिरी आयाम तक पहुँचाने। काश ये यात्रा यूं ही चलती रहती। चलिए
चलिए। और अब ये कार से आखिरी यात्रा है गंगा सागर तक पहुंचने की। गंगा सागर शहर एक छोटा सा धार्मिक स्थल है जिसके बीच में स्थित है कपिल मुनि का मंदिर। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। गंगा की धरती पर आने के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। मान्यता है कि कपिल मुनि मंदिर के दर्शन के बिना आपकी गंगा यात्रा झुरियों में मिला वो मुझे, कभी बच्चों में, कभी घाटों में, तो कभी किताबों में। जहां भी दिल से देखा वो मिला मुझे। कोई कहे उसे तेरा नूर, कोई कहे उसे खुदा की हूर। गंगा की सफाई के चर्चे मैंने भी आपकी तरह ही सुने थे, तो जब ये शो शुरू किया तो मन में उन बातों की सच्चाई जानने की उत्सुकता भी थी। और सच कह रहा हूं, जो मैंने देखा वो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम कितने ही प्रोजेक्ट चला रहा है। गंगा का हजारों लीटर पानी साफ हो चुका है। घाटों का तो चेहरा ही बदल गया है। घाटों के निर्माण से श्रद्धालु गंगा की पूजा आचमन आराम से कर सकते हैं। घाट बनाने के अलावा उन्हें साफ करने का भी बीड़ा नमामि गंगे अभियान ने उठाया है। फिर लगभग हर बड़े छोटे गंगा के किनारे बसे शहरों में शहर के नालों का वेस्ट गंगा में रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नालों को टैप कर और वेस्ट वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में साफ कर वापस गंगा में डाला जाता है। जगह जगह एफॉरेस्टेशन ड्राइव चला जा रही है, जहां पर गंगा किनारों पर इंडिजिनस पेड़ उगाए जा रहे हैं। पेड़ों के अलावा गंगा में जो बायोडायवर्सिटी है, डॉल्फिन्स हो या टर्टल्स, सबको बचाने के लिए नमामि गंगे अभियान निरंतर प्रयास कर रहा है। ये पीछे नाला, सारा खतरा यहाँ आता था, ये पूरा फ्लो यहीं पर आके गिरता था। तो इस बार गंगा का पानी कानपुर से मैं उस जगह से ले रहा हूँ जहाँ पर ये सीसा मुही नाला 14 करोड़ लीटर कचरा रोज डालता था। इसके अलावा हमारे देश की आर्मी भी नमामि गंगे अभियान के साथ जुड़ गई है। ये गंगा टास्क फोर्स प्रयागराज में गंगा को साफ रखने के लिए कई एस्पेक्ट्स पर काम कर रही है। मैं गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलिथीन नहीं डालूंगा। मैं गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलिथीन नहीं डालूंगा। गंगा किनारे बसे गांव के युवा गंगा के रक्षक बनकर गंगा के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। इन गंगा प्रहरी के काम को देखकर कई बार मैंने दिल पर हाथ रखकर उन्हें सलाम किया। ये हम लोग बेरोजगार महिलाओं के लिए एक तरह से समझिए जलज के माध्यम से हम लोग को रोजगार भी मिला है। जब इरादे नेक हों तो मंजिलें दूर नहीं रहती। हमारी गंगा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र होकर ही रहेगी। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगोत्री से चलकर गंगा सागर तक की यह यात्रा
बस अब खत्म होने ही वाली है। आरंभ है तो अंत भी है, शुरुआत है तो समापन भी है, सूर्योदय है तो सूर्यास्त भी है, गंगोत्री है तो गंगा सागर भी है। नमन इस जीवन यात्रा को, नमन इस गंगा की यात्रा को। गोमुख से निकलकर गंगा एक बहुत ही लंबा सफर तय करती है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा सफर। और इस सफर में ना जाने कितने रूप लेती है गंगा, कितनों के तन और मन को पवित्र करती हुई, कितनों के पाप को धोती हुई, कितनों की रोजी रोटी बनती हुई, कितनों की प्यास बुझाती हुई, कितने ही खेतों को सींचती हुई, कितने ही जीव जंतुओं का घरौंदा बनती हुई, कितनों को जीवन देती हुई और कितनों के अंत की वाहिनी बनती हुई। फाइनली वही गंगा यहां आकर इस बंगाल की खाड़ी में खुद को समर्पित कर देती है। अब समझ में आया कि गंगा को गंगा माँ क्यों कहते हैं। रखोगे जहां वही रह रही है। और इस श्रृंखला की मेरी प्रथा एक आखिरी बार यहां गंगा सागर में। वक्त ये कभी ठहरता क्यों नहीं, आंखों को सुकून और दिल को यादों से भरा समुंदर देकर चला जा रहा है आज फिर, हाथों से रेत सा फिसल गया ये सफर भी। और गंगा के साथ मेरा ये सफर बस यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन गंगा ने जो यादें दी हैं अब उसे जीवन भर जिया जाएगा। यूं तो कई अनजान सड़कों और कई अनजान राहों पे चला हूं मैं, और उन्हीं यादों और तजुर्बों से ही तो बना हूं मैं, पर यह सफर कुछ अलग है, मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस सफर में माँ तो नहीं पर माँ जैसी गंगा मेरे पास है। और जानते हैं इस सफर के अंत में मेरे मन में एक बहुत बड़ी आस है, और वो आस ये है जो गंगा की निर्मलता गौमुख में है वही निर्मलता को एक दिन गंगा सागर में भी देखा जाएगा। तो इस श्रृंखला में मैं आपसे एक आखिरी बार इजाजत लेता हूं। मेरी तरफ से और रग रग में गंगा की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, प्यार, मोहब्बत। यकीन मानिए मुझसे कहीं ज्यादा योगदान मेरी टीम का इस श्रृंखला में रहा है। तो जाने से पहले जैसा कि हर बार होता है मन में एक ख्याल आ रहा हो और अगर उस ख्याल को आपके साथ में नहीं बांटूंगा तो शायद मुझे चैन नहीं मिलेगा। गंगा हमारी नदी है और हमारी बनता है हमसे और हम बनता है मुझसे और आपसे। तो अगर गंगा हमारी नदी है तो गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने का दायित्व भी हमारा है। गंगा सरकारी नदी नहीं है कि हम सारी अपेक्षा सरकार से करें। गंगा हमारी नदी है, उसे हम स्वस्थ बनाएंगे। तो मैं आपसे लेता हूं इजाजत। जहां कहीं भी हैं खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये याद रखिए कि हौसले जान लेंगे कि इरादे भी मान लेंगे जब हम ठान लेंगे। गुड नाइट, शब्बा खैर। होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब एक दिन। एक आशा और उम्मीद के साथ कि ये शायद अंत नहीं एक विराम है, बस एक अंतराल के बाद फिर रग रग में गंगा अपनी अविरल धारा से हमारे और आपके विचारों, शहरों, गांव और सोच को निर्मल करने आएगी। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी यात्रा पर।